बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 और 6.4 का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 तक कवर किया था और जिसमें मैंने आप लोगों को पब्लिसिटी के बारे में बेसिक पढ़ाया था। आज हम मजीद उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले क्योंकि इस लेक्चर में कुछ सवाल है कार्ड के हवाले से, तो मैं आपको ये पिक्चर बता रहा हूँ। इस पिक्चर को आप देख लें बहुत ध्यान से, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा एमसीक्यूज करने के लिए या फिर अगर कार्ड वाले जो सवाल आते हैं उनको करने के लिए। कि सबसे पहले हमारे पास जो टोटल कार्ड होते हैं, सैंपल स्पेस फॉर द कार्ड रैंडमली सिलेक्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, जो टोटल हमारे पास कार्ड्स है वो कितने हैं, 52 कार्ड्स है। ठीक है, जिसमें से रेड हमारे पास 26 है और ब्लैक भी हमारे पास कितने हैं, 26 कार्ड है। इस बात को आपको माइंड में रखना है कि जो रेड कार्ड है हमारे पास वो कितने हैं, 26, और जो ब्लैक कार्ड है हमारे पास वो भी कितने हैं, 26। रेड कार्ड में हमारे पास आते हैं हर्ट और डायमंड, ये कितने हैं, 13। ठीक है, हर्ट कार्ड भी 13 होते हैं और डायमंड कार्ड भी 13। इसके अलावा ब्लैक कार्ड में हमारे पास स्पेड एंड क्लब कार्ड आते हैं जो कितने होते हैं, 13 एंड 13। ठीक है, डन। इसके अलावा किंग क्वीन जैक 10 9 8 ये सारे कितने कार्ड है, 4 कार्ड है। सही है, किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, आपके पास जैक भी का 4 है, 10 भी 4 है। ठीक है, इसके अलावा ये किंग क्वीन जैक इनको हम पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किंग क्वीन जैक अगर पिक्चर कार्ड के बारे में बोलता है तो हमारे पास जो पिक्चर कार्ड है वो कितने हैं, 12 कार्ड होंगे। ठीक है, 4 4 8 4 12। और ये 10 से लेकर 1 तक हमारे पास कितने कार्ड बनते हैं, 40 कार्ड। अगर हमें नंबर कार्ड बोलता है तो नंबर कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 40 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पार्ट 1 में आपको कह रहा है गेटिंग अ किंग कार्ड, पार्ट 2 में कह रहा है आपको गेटिंग अ क्लब कार्ड, और पार्ट 3 आपको क्या कह रहा है, गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड मीन्स पिक्चर कार्ड। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो टोटल कार्ड हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी में टोटल की बहुत अहमियत है, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, कि हम चाहते क्या है और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ किंग कार्ड है मैंने आपको भी बताया कि किंग कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 4। क्लब कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 13। और जो फेस कार्ड है मतलब पिक्चर कार्ड, वो हमारे पास कितने होते हैं, 12। ठीक है, अब नहायत ही आसान सा काम है। पहले हमारे पास क्या कह रहा है, गेटिंग अ किंग कार्ड। आपको एक कार्ड क्या करना है, निकालना है, गेटिंग अ किंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड हमारे पास क्या होगा, 4c1 डिवाइड बाय 52c1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में जो हम रखते हैं वो हम क्या रखते हैं, कि हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि उनमें से जो कार्ड आए वो क्या है, किंग कार्ड आपके पास आए। तो उस पैक के अंदर किंग कार्ड कितने हैं, 4, तो 4 में से कोई एक कार्ड बनेगा, ये हम चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात उस पैक के अंदर टोटल कितने कार्ड है, 52, तो 52 में से कोई एक कार्ड हम निकाल लें तो उसको हम कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में। उसका मतलब क्या होगा, 4c1 डिवाइड बाय 52c1, ये हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 52। सिमिलरली जो हमारे पास पार्ट टू है वो हमारे पास क्या होगा, गेटिंग अ क्लब कार्ड। सिंपल, क्लब कार्ड अब आपके पास कितने हैं, 13 आपके पास क्लब कार्ड है। ठीक है, तो जो हम चाहते हैं कि 13 में से कोई एक क्लब कार्ड आए, तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम, जिसको हम कहां पर रखेंगे, न्यूमरेटर में। लेकिन हमारे पास जो टोटल कार्ड है वो कितने हैं, 52 है, 52 में से कोई एक कार्ड आ रहा है, तो उसको हम कहां पर रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो 13c1 डिवाइड बाय 52, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 4। इसका जो पार्ट 3 है हमारे पास, गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12c1। ठीक है, क्योंकि फेस कार्ड होते हैं 12, 12 में से कोई एक कार्ड हमें निकालना है, डिवाइड बाय 52c1। टोटल कार्ड कितने हैं, 52, और हमें कोई एक कार्ड चाहिए, तो 12 डिवाइड बाय 52, ये हमारे पास बनेगा 3 अपॉन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ गेटिंग साइड। मैंने क्या किया, इसका वेन डायग्राम बना दिया है। एन इवन नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4। ठीक है, सबसे पहले हमें यहां पर क्या बनाना है, सैंपल स्पेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस के बारे में, आपको कह रहे हैं अ डाइस इज रोल्ड, एक डाई आपको क्या करना है, रोल करना है। अगर आप लूडो खेलते हो तो आपको पता है कि जब डाई को फेंकते हो तो उसमें क्या क्या आ सकता है। सैंपल स्पेस में बताया था कि ऑल पॉसिबल आउटकम लेंगे। ठीक है,
जो हम डाई फेंकते हैं तो उसमें वन भी आ सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी और सिक्स भी, यानी कि ये छह उसके क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, अब पार्ट वन में आपको कह रहा है कि एन इवन नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए है जो हमारे पास क्या है, इवन नंबर होगा। अब इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं, टू है, फोर है और सिक्स है। तो ए में हम क्या लेंगे, टू फोर सिक्स, इसका मतलब एन ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, थ्री के, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम चाहते हैं उसको हम डिवाइड करवाते हैं टोटल से। तो हम चाहते हैं क्या है कि इवन नंबर आए, इवन नंबर का मतलब एन ए, और आप क्या क्या आ सकता है, मतलब सैंपल स्पेस डिवाइड बाय एन एस। एन ए किसके बराबर है हमारा, थ्री के, और एन एस किसके बराबर है, सिक्स के। तो ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी डायग्राम से अगर आप देखेंगे, इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन फोर, तो हम मान लेते हैं कि लेट बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर। तो अब उस डाइस के अंदर ग्रेटर देन फोर कितने होंगे हमारे पास, या तो फाइव होगा या तो सिक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एन बी हमारा हो किसके बराबर हो गया, टू के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या बनेगा, एन बी डिवाइड बाय एन एस। ठीक है, तो एन बी बराबर है टू के, और जो हमारा एन एस है वो किसके बराबर है, सिक्स के। तो टू अपॉन सिक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री। इसका लास्ट पार्ट, लेट सी बी द इवेंट गेटिंग एन इवन एन ग्रेटर देन फोर, वो नंबर जो फोर से बड़ा हो लेकिन इवन हो। अब फोर से बड़ा अभी हमने पढ़ा फाइव और सिक्स है, लेकिन फाइव तो आपका ऑड नंबर है, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, सिक्स आएगा। और सिक्स कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब जो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा, एनसी डिवाइड बाय एनएस, एनसी किसके बराबर है, वन के, और एनएस किसके बराबर है, सिक्स के। ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इन अ थ्री चाइल्ड इन अ फैमिली बाय यूजिंग थ्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थ्री बॉयज, एग्जैक्टली टू बॉयज, एटलीस्ट वन गर्ल। ठीक है, इसको बिल्कुल हम थ्री क्वाइन की तरह बनाएंगे। सबसे पहले अब चाइल्ड में या तो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, थर्ड केस के बारे में हम बात फिलहाल यहां पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर फैमिली के बारे में हम बात करें तो या तो उसका या तो गर्ल्स है या फिर क्या है, बॉयज है। ये हो गया हमारे पास एक इवेंट के, जैसे आप बच्चों आपने क्वाइन के लिए बनाया। अगर एक क्वाइन की हम बात करते हैं तो सिर्फ ये दो ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन थ्री चाइल्ड है तो थ्री चाइल्ड में हम क्या करेंगे, मजीद अब इस गर्ल से हम दो एरो बनाएंगे। तो अब एक में हम लेंगे गर्ल्स, एक में हम क्या लेंगे, बॉयज। सिमिलरली इससे भी हम क्या करेंगे, दो एरो बनाएंगे, एक में हम क्या लेंगे, गर्ल्स, और एक में हम क्या लेंगे, बॉयज। ये हो गया हमारे पास टू चाइल्ड के हवाले से, या तो गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चूंकि हमें थ्री चाइल्ड के हवाले से बात करना है, तो अगेन मजीद हम क्या करेंगे, इस जी से फिर दो एरो निकालेंगे, एक में जी और बी, अगेन इस बी से हम निकालेंगे जी और बी, फिर इस जी से हम दो एरो बनाएंगे। इसी तरह आपके पास ये बन गया। अब इसको आप निकालना है, ये देखे एक चांसेस क्या है कि तीनों गर्ल्स हो, एक चांसेस क्या है कि दो गर्ल्स और एक बॉयज हो, इसके अलावा एक गर्ल्स बॉयज फिर गर्ल्स हो, या चांसेस क्या है गर्ल्स बॉयज बॉयज हो। इसका हम क्या बना देंगे, सैंपल स्पेस तरह, कि हो सकता है तीनों बॉयज हो, या हो सकता है दो बॉयज और एक गर्ल्स हो, या हो सकता है पहले बॉयज हो फिर गर्ल्स हो फिर बॉयज हो आपके पास, या फिर पहला बॉयज हो दोनों अगली गर्ल्स हो। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आठ ही पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं जिसको मैंने यहां पर बनाया। ठीक है, क्योंकि आपको कह रहा था यूजिंग ट्री डायग्राम, तो मैंने क्या किया, इसको ट्री डायग्राम से बनाया। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि पार्ट वन में थ्री बॉयज, पार्ट टू में एग्जैक्टली टू बॉयज, और पार्ट थ्री में एटलीस्ट वन गर्ल। थ्री बॉयज के बारे में जब बात करेगा तो हमारे पास एक ही इवेंट आएगा, ये तीन बॉयज। ठीक है, जब एग्जैक्टली टू बॉयज कहेगा तो टू बॉयज कहां कहां पर है, इसमें इसमें इसमें, ये हमारे पास तीन ऐसे हैं जिसमें आपके पास एग्जैक्टली टू बॉयज हैं। अच्छा, यहां पर आपको क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन गर्ल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, लेक्चर नंबर 10 में। तो एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक लड़की। अब कम से कम एक का मतलब है दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर हम सब लेंगे, सिर्फ ये हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर तीनों बॉयज हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक गर्ल भी हम कंसिडर करेंगे, दो भी और तीन भी। इसका मतलब एक को छोड़ के बाकी सेवन के सेवन क्या होंगे, इसके इवेंट होंगे। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या कह रहा था सवाल में कि
लेट ए बी द इवेंट गेटिंग थ्री बॉयज, तो थ्री बॉयज के हमारे पास एक ही इवेंट है जैसे मैंने आपको बताया, तो एन ए बराबर है वन के, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एन ए डिवाइड बाय एन एस, ये हो जाएगा 1/8। लेट बी बी द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली टू बॉयज, मैंने आपको वहां बताया भी समझाया था कि ये तीन ऐसे इवेंट है आउटकम है जिसमें आपके पास क्या होगा, तीन बॉयज होगा, तो उसका मतलब एन बी हमारा किसके बराबर होगा, थ्री के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाय एन एस, ठीक है। और लास्ट हमारे पास लेट सी बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट वन गर्ल, सिर्फ एक को छोड़कर हम बाकी सारे लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, सेवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 7/8 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज बिटवीन 2 and 10, और अगला आपको क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 5। पहले तो हम बनाते हैं इसका सैंपल स्पेस, ठीक है, चूंकि 2 डाइस है, डाइस का बेस होता है 6 और डाइस है 2, तो 6 की पावर 2 ये हो जाएंगे 36, और इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको 2 डाइस के हवाले से बताया था कि जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है 36। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह पे 2 की बारी, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल 36, यानी कि एस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग नंबर बिटवीन सम ऑफ 2 and 10, आपको 2 and 10 के दरमियान में सम फाइंड करना है, लेकिन किस तरह से, प्रोडक्ट हो आपके पास, तो आप जानते हो 2 multiply 1 2, 3 multiply 1 3, 4 multiply 1 4, 5 multiply 1 5, 6 multiply 1 6, 2 multiply 1 2, 2 multiply 2 4, 2 multiply 3 6, 2 multiply 4 8, 2 multiply 5 10, 3 multiply 1 3, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट, जिनका सम हमारे पास किसके बराबर होगा, 10 के, ठीक है, सही। तो ये आप इसमें से 36 में से ढूंढेंगे कि 1.1 यहां पर 1.1 भी एक है, ठीक है ना, 1.1 का मतलब हमारे पास कितना आ रहा है, सॉरी 1.1 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, 2 and 10 के दरमियान में, ठीक है, तो 1.1 हम नहीं लेंगे, 1.2, 1.3 ये सब हमने यहां पर क्या लिखा है। अब इसको आप गिन लें कितना आ रहा है आपके पास, ये भी हमारे पास मस्जिद बन रहा है, ठीक है, तो एन ए हमारे पास कितना आ रहा है, 18, इन सबको आप गिन लें, ये आपके पास बिटवीन 2 and 10 होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, एन ए डिवाइड बाय एन एस, यानी कि 18 divided by 36, और ये हो जाएगा 1/2। अगला आप कह रहे हैं डिविजिबल बाय 5, ऐसा प्रोडक्ट आपको लेना है जो डिविजिबल बाय 5 हो, तो लेट बी बी द इवेंट गेटिंग नंबर डिविजिबल 5, 5 multiply 1 5, और 5 जो है डिविजिबल बाय 5 है, इसी तरह 5 multiply 2 10, 10 आपका डिविजिबल बाय 5 है, 5 multiply 3 15, 15 आपका डिविजिबल बाय क्या है, 5 है, तो इनमें से आप क्या करोगे, इन सारे नंबर को ढूंढोगे और इसको आप काउंट कर लो कितने बनते हैं, तो ये बनते हैं 11, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 11/36। नेक्स्ट हमारे पास है, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 red, 10 white, 25 orange and 15 blue marbles, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑरेंज और रेड, नॉट ब्लू और रेड, रेड व्हाइट और ब्लू, और का मतलब आपके पास ये आ गया कंडीशन, मैंने आपको कंडीशन में पढ़ाया था डेफिनेशन में कि हमारे पास एक म्यूचुअल, एक नॉट म्यूचुअल ही होता है, ठीक है, उसके अलावा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और का मतलब होता है आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल बॉल कितने हैं, 70, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 20, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितने आपके पास, 25, और नंबर ऑफ ब्लू बॉल आपके पास कितने हैं, 15, ठीक है, तो ऑरेंज और रेड, तो इसके लिए हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम पढ़ेंगे कंडीशन में, आपको और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इस ऑरेंज और रेड में जाहिर सी बात, इन सब बॉल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसका मतलब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, यानी कि डिसजॉइंट वाला हम यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और रेड बॉल की, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि इसके अंदर ऑरेंज बॉल कितना है, तो इसके अंदर ऑरेंज बॉल जो हमारे पास कितना है, 25, तो ये क्या बनेगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें
तो 25C1 यानी कि 25 में से हमें एक बॉल निकालना है। बॉल लिख दें या फिर मार्बल, सॉरी यहाँ पर मार्बल था, मैंने बॉल लिख दिया, ठीक है आप मार्बल लिख दें, ठीक है 25C1। और टोटल बॉल कितने हैं 70, तो हम क्या लिखेंगे 70C1, चूंकि कंडीशन है तो हम लिखेंगे प्लस, आपको और बोल रहे हैं। अगला आपको बोल रहा है रेड बॉल, तो रेड बॉल आपके पास कितने हैं, यहाँ पर रेड बॉल है 20, तो 20 में से कोई एक मार्बल होना चाहिए आपके पास, तो 20C1 / 70C1, ठीक है ये इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, इन सबको आप अब वैल्यू कैलकुलेट करें, एलसीएम लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 25 + 20 और 45 / 70 आपके पास कितना होता है 9/14। ठीक है, इसको आप कॉपी करें। अगर मैं अगले पेज की तरफ बढ़ूंगा, फिर अगला जो हमारे पास पार्ट है वो बनता है नॉट ब्लू और रेड। फर्स्ट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी और ब्लू और रेड, पहले हम फाइंड कर लेते हैं ब्लू और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर हम नॉट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर जिससे मैंने आपको बताया कि ब्लू बॉल आपके पास कितने हैं 15 है और रेड बॉल कितने हैं 20 है, बाकी जिस तो आपका सिमिलर रहेगा 15C1 / 70C1 + 20C1 / 70C1 20 / 70 एलसीएम लें, 15 + 20 कितना होता है 35 / 20 कितना हो जाएगा 1/2। अब ये हमारे पास आगे प्रोबेबिलिटी ब्लू और रेड बॉल आने की, कि क्या चांसेस है कि ब्लू और रेड बॉल आए, तो 1/2। अब ना आने की क्या करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था हम 1 में से माइनस कर देते हैं, तो ना आने की आपके पास क्या होगा 1 - 1/2, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 और आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो आप 1 में से माइनस कर दें। जब 1 में से आप हाफ निकालोगे तो आपके पास 1/2 ही बचेगा, यानी कि 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रेड और व्हाइट और ब्लू, ठीक है तीन आ गया आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। रेड कितना है 20, व्हाइट कितना है 10, ब्लू कितना है 15। सिंपल बाकी केस है 20C1 / 70C1, 10C1 / 70C1, 15C1 / 70C1। इन सब की वैल्यू को आप लिखें, बाकी फिर आप एलसीएम ले, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे, बाकी नॉर्मल हम ऐड कर देंगे, तो 20, 10, 15 / 45 / 70 कितना बनेगा 9/14। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।